खाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ हमारे गांव में तो सब बड़े तंदुरुस्त हैं जी। नहीं, देखिए ये एक मिथ है कि आप बासी खाना खाएंगे तो सब लोग तंदुरुस्त रहेंगे, इट इज नॉट लाइक दैट। ऑब्वियसली हर एक खाने की एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद में यू नो बैक्टीरियाज ग्रो हो जाते हैं और उसके बाद उनको खाना नहीं चाहिए जी, जी। और एज अ प्रिंसिपल नहीं खाना चाहिए। इवन अगर आपने कोई एक पैकेट खोला चिप्स का और उसमें वो 350 ग्राम्स का है या यू नो 50 ग्राम्स का है या जितने ग्राम का भी है, अगर आपने कोई भी एडेबल पैकेट खोला तो आप ट्राई ये करें कि फिर उसको वापस फोल्ड करके ना रखें, उसको खत्म करें। और इसीलिए जो आपने देखा होगा यूजुअली जब बड़े पैकेट्स होते हैं 1 किलो के 2 किलो के, तो उसमें जिप दिया होता है, दैट इज अ जिप पैकिंग, ताकि उसकी उसका यू नो आप उसको जिप अप कर सको ताकि वो एयर कंटामिनेशन उसके अंदर ना हो। लेकिन ये जो छोटे पैकेट्स हैं, मैंने बहुत बार देखा है लोगों को ये चिप्स खोल के उन्होंने फिर गाड़ी में रख दिए और फिर उसके बाद जब मन किया अगले दिन तो उसको फिर से खोल के खाया, वो दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। उसी तरह से जिस तरह से कि कई बार जो ऑयल यूज कर दिया और वो बच गया, उसको यूं ही छोड़ दिया और उसको रीयूज किया फ्राइंग के लिए, वो भी देखिये एक तो ऑयल की अपनी एक लिमिटेशन है, किसी भी तरीके की एडिबल ऑयल की अपनी एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन के बाद में वो इट बिकम्स कंटामिनेटेड और आप उसके अंदर कुछ भी करेंगे तो वो या तो बहुत ज्यादा सोक करना स्टार्ट करेगी जो भी चीज आप उसमें फ्राई कर रहे हैं कुछ भी। मेरी समझ से तो जितना उसको रीयूज से आप बच सके उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। जी, कोशिश करते हैं अपने एक लिसनर से जुड़ने का। हेलो जी, अपना नाम बताएं जी, अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है, सोच रहे हैं, मांसाहार चाहिए। अच्छी बात है, फिर तो नहीं जी। ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे थे वो कि हाउ डज, ये भी सवाल है कि हाउ डज वन नो कि हाँ ये प्योर ऑर्गेनिक है या नहीं है। मैम देखिए, मैंने आपसे बताया कि इस बारे में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत ज्यादा शोध कर रही है और लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और मुझे लगता है कि अगले साल तक पूरी भारतीय जनता को और भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको भी उस सर्टिफिकेशन का बहुत जल्दी पता चलेगा। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा बहुत अच्छा प्रश्न था और इसको हम लोग लेकर के मैं यूजुअली जहां पर भी अपनी प्रेजेंटेशंस करता हूं वहां पर ये बात बोलता हूं कि जो प्रमाणिकता का अभाव है वो अभी है हमारे देश में। हमारी सरकार बहुत काम कर रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में बहुत आगे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, बट इसके अंदर भी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। लेकिन मैं मुझे लगता है कि कुछ प्राइवेट संस्थाएं, कुछ एनजीओस को, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें और हाथ बटाना चाहिए गवर्नमेंट का, क्योंकि देखिए कुछ एक चीजें होती हैं जो कि गवर्नमेंट के बाद की बातें हैं, जो कि एक सिटीजन एक अच्छे सिटीजन होने की बात है, तो वो एक मुझे लगता है वो फैक्टर है। और जहां तक रही ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात, तो जिस संस्था का मैं आपको नाम बोल रहा हूँ, एक पूरा अलग से उसके लिए पैरामीटर, एक सर्टिफिकेशन डेवलप किया जा रहा है जो कि ये बताएगा कि ये ऑर्गेनिक है या ये ऑर्गेनिक नहीं है, मतलब वो पीछे फुटप्रिंट तक इट विल बी देयर। तो मुझे लगता है आगे आने वाले वर्षों में फूड को एक अलग नजरिए से देखा जाएगा हिंदुस्तान में। घर में जो लोग स्प्राउट्स वगैरह तैयार करते हैं वो कितना सेफ होता है? वो ठीक है, वो ठीक है। घर पे बस वही ध्यान रखना है कि टैप वाटर में नहीं करना स्प्राउट्स को, आपको उसको ऑब्वियसली या तो जो आप पानी घर में आरओ यूज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उसमें करना है, क्योंकि आपने अगर उसको किसी टैप वाटर में या नॉर्मल वाटर में किया तो वो यू नो पानी से वो कंटेंट स्प्राउट्स में आता है। तो जो भी होगा वो ट्राई ये करें कि उसको जिस खाने में, इवन जो खाना आप पकाने के लिए यूज कर रहे हैं, जो पानी आप पकाने के लिए यूज कर रहे हैं खाना, उसको भी फिल्टर्ड वाटर। ये जो जिपलॉक में लोग सब्जियां रख देते हैं या जैसे वो करी पत्ता वगैरह हुआ या बाकी सब्जियों को भी पैक करके रखते हैं, तो वो सेफ है? प्लास्टिक डिपेंड करता है कि कौन से एडिबल प्लास्टिक में कर रहे हैं,
एडेबल प्लास्टिक होना चाहिए, नंबर एक। तो वो जिप पैक्स अवेलेबल हैं, बट यूजुअली कभी कभी देखा गया है कि कोई किसी और चीज के लिए जिप पैक है उसको आप खाने में यूज कर रहे हैं, विच इज नॉट राइट। जिप पैक्स अलग अलग कंटेंट का है, अलग अलग बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आती है जो एक तरीके की जिप पैक में आती है, आपको लगा ये बहुत अच्छा है आपने उसमें खाना रख दिया, बट वो खाने के लिए एक्चुअली नहीं बना है। तो फूड ग्रेड का इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा, और ये देखें कि जो आप जबी भी आप काट करके सब्जियां रख रहे हैं फ्रिज में या कहीं पर भी, वो उसका टेम्परेचर ठीक होना चाहिए ताकि कम से कम बेटर रहे, खाना शुड बी ओके। बहुत बढ़िया दोस्तों, इस समय हम बातचीत कर रहे हैं फूड सेफ्टी पर, अभिषेक बिस्वास से, प्रोग्राम चल रहा है हेल्पलाइन, और मैं हूँ आपके साथ राजश्री, और यहाँ लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।